ये जो मिलिटेंसी खासकर जम्मू प्रोविंस में भी यहाँ भी उभर रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जा रहा है, एक गंभीर मसला है और हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा और मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। न रहे और यहाँ भाईचारा न रहे और उसके लिए कांग्रेस हमेशा सामने आई है और हम आज भी सामने आ जाएंगे। शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ कि ये काम होने चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं उस पर और मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में वो मुझे वापस भेज देगा और क्या पेशरफ हुई है उसमें। और आज ये जो मीटिंग थी, ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी हमारे, और मैं अफसर उसके साथ तबादला ख्याल करना चाहता था और उनको जानना चाहता था, और मैंने कोई ख़ास मुतालबा उनके सामने नहीं रखा, अलबत्ता ये कि बड़े बड़े 5-10-15 मुतालबात जो हैं वो मैंने रखे उनके पास, उनके सामने, और मैंने कहा कि पुराने वक्त में जो भी हुआ वो हो गया, अब नए सिरे से आपको काम करना है और हमारे साथ करना है, ख़ासकर मेरी 44 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। ये जो मिलिटेंसी खासकर जम्मू प्रोविंस में भी यहाँ भी उभर रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जा रहा है, एक गंभीर मसला है और हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा और मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। न रहे और यहाँ भाईचारा न रहे और उसके लिए कांग्रेस हमेशा सामने आई है और हम आज भी सामने आ जाएंगे। शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ कि ये काम होने चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं उस पर और मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में वो मुझे वापस भेज देगा और क्या पेशरफ हुई है उसमें। और आज ये जो मीटिंग थी, ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी हमारे, और मैं अफसर उसके साथ तबादला ख्याल करना चाहता था और उनको जानना चाहता था, और मैंने कोई ख़ास मुतालबा उनके सामने नहीं रखा, अलबत्ता ये कि बड़े बड़े 5-10-15 मुतालबात जो हैं वो मैंने रखे उनके पास, उनके सामने, और मैंने कहा कि पुराने वक्त में जो भी हुआ वो हो गया, अब नए सिरे से आपको काम करना है और हमारे साथ करना है, खासकर मेरी 44 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।